नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रमुख संप्रदाय पर बात करेंगे, जो आप सभी के सामने देख पा रहे होंगे। संरचनावाद पर बात करेंगे, प्रकारवाद क्या होता है, साथ ही साथ व्यवहारवाद क्या है, क्या समग्रवाद है, बात करेंगे हम सभी उद्देश्यवाद। इन सभी पर बहुत अच्छे से व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे दोस्त, और क्लास को शेयर करते हुए एक बार क्लास को लाइक भी कर देंगे मित्र। हम सभी एक एक करके एक एक वाद को सीखेंगे, किस वाद में क्या बातें कही गई हैं, उस वाद के जनक कौन है, इस पर भी हम बातें करने वाले हैं दोस्त। ध्यान देंगे, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है आप सभी का हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट बैच के साथ, आप कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। एक साल की वैधता से के साथ आपको प्रोवाइड होगा, 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। दो नंबर आप सभी के सामने है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्र, अब हम एक एक चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले संरचनावाद पर, क्या है संरचनावाद, इसे हम समझेंगे। तो संरचनावाद के जनक बोला जाए तो आप कहेंगे विल्हेम बुंड को बोला जाता है। विल्हेम बुंड कहाँ के निवासी थे, जर्मनी के निवासी थे। सबसे पहले विल्हेम बुंड ने ही मनोविज्ञान को क्या बताया, चेतना का विज्ञान बताया। कब बताया, 19वीं शताब्दी में बताया। ध्यान देंगे दोस्त, संरचनावाद सामने लिखा गया है, करें संरचनावाद मनोविज्ञान का सबसे क्या है, सबसे पुराना संप्रदाय बोला जाता है। कहा गया कि मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विल्हेम बुंड नामक जर्मनी के जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, संरचनावाद के बारे में बताया था। कहाँ के, जर्मनी के निवासी थे। साथ ही साथ बात करें, जिन्होंने 1879 में जर्मनी के एक लिब्जिंग शहर है, जर्मनी में एक लिब्जिंग शहर है, वहाँ पर सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली थी। दोस्त बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ खुली, तो जर्मनी के लिब्जिंग शहर में, और कब खुली या तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। बात करें संरचनावाद की अनौपचारिक स्थापना किसने किया था, वह विल्हेम बुंड ने किया था। कब किया था, 1879 में। वहीं पर औपचारिक स्थापना की बात करें तो ई वी टीचनर ने किया था, जो 1898 में। दोस्त आगे चर्चा करेंगे, देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझते हुए चलें, सीखते हुए चलें, ज़्यादा हड़बड़ाहट के साथ नहीं, व्याख्यात्मक रूप से सीखें एक एक पॉइंट को, तब आपको समझ में आ जाएंगी सारी की सारी बातें। संरचनावाद बात करें, संरचनावाद संप्रदाय में अध्ययन का मुख्य जो विषय होता है वह क्या होता है, संवेदना होता है। मतलब संरचनावाद मानता है कि सब कुछ क्या है, संवेदना है। इसीलिए संवेदना जो मुख्य विषय है वह संरचनावाद में संवेदना को माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूछे, कोई आपसे पूछे कि जो संरचनावाद है उसका मुख्य विषय क्या है, तो संवेदना है। संरचनावाद को आत्मनिरीक्षण तथा अस्तित्ववाद के नाम से भी क्या जाना जाता है, अस्तित्ववाद, या इसे हम कहेंगे आत्मनिरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। विल्हेम बुंड ने चेतना का अध्ययन किया और कहा कि हमारे हर अनुभव का आधार क्या है, हमारी चेतना है। तो दोस्त आप जानते हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया 19वीं शताब्दी में कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और इन्होंने कहा कि भाई साहब चेतना क्या है, चेतना को हम जैसे चेतना है कि अंदर है हमारे, तो पता है सबके अंदर ही है चेतना। चेतना को एक अंतर्दर्शनविद अगर पूछा जाए तो अंतर्दर्शनविद किससे जुड़ा है, तो आप कहेंगे जनक कौन है, तो विल्हेम बुंड है, क्योंकि अंतर्दर्शनविद का मतलब होता है कि चेतना। देखो चेतना का मतलब कहीं ना कहीं अंदर है, तो अंतर्दर्शनविद भी क्या होगी, वह विल्हेम बुंड से जुड़ी होगी। तो दोस्त अगर दोस्त बोला जाए कि चेतना का मतलब क्या उन्होंने बताया, चेतना का मतलब उन्होंने बताया कि जैसे आपके सामने कोई चीज आप देखते हैं, उस चीज के बारे में सिर्फ क्या जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसके बाद आपका कोई प्रोसेस नहीं होता है, बस संवेदना आपकी पता चल जाती है, हाँ ये चीजें हैं, हो गई बात। मनोविज्ञान यहां तक लिमिट है। इस बात को नकारा गया था कब, 20वीं शताब्दी में, जो व्यवहारवाद के जनक थे वाटसन। तो यह आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वह संवेदना को माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि चेतना दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए बुंट की जो विधि कहलाती है वह अंतर्दर्शन विधि के नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्दर्शन विधि, कई बार पूछी गई है किसने दिया है अंतर्दर्शन विधि, किसके, इसके जनक कौन है, तो विल्हेम बुंट है। और क्यों उन्होंने कहा कि क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती, इसीलिए दोस्त बात करें विल्हेम बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक विधि के क्या बोला जाता है, जनक के रूप में भी माना जाता है।
आगे दोस्त चर्चा करते हैं करा की प्रकारवाद पर। अब हम बात करेंगे, तो आपने संरचनावाद की बात तो सीख ली, संरचनावाद में आपने इतना सीखा कि सब कुछ क्या है, संवेदना है, संवेदना के माध्यम से चीजें होती है, चेतना के माध्यम से चीजें होती हैं। और इन्होंने जो 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो सब सब अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे संरचनावाद के जनक, तो सबसे पुराना है और विलहेम वुड इसके जनक है। अब हम बात करें प्रकारवाद, प्रकारवाद के जनक की अगर आप बात करते हैं तो कहेंगे इसके जनक कौन है, अमेरिका के निवासी थे विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे, उन्हें माना जाता है। अब एक एक करके बात करते हैं, प्रकारवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स ने 1890 में की, उनकी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत के माध्यम से की थी। मतलब मनोविज्ञान का सिद्धांत एक पुस्तक नहीं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसी में इन्होंने सबसे पहले बात की। किसकी? वह प्रकारवाद की स्थापना की बात करते हैं। मतलब उनका मतलब था चेतना क्या है, उनका उन्होंने कहा नकारा चेतना सिर्फ को नकारा चेतना शब्द को नकारा और कहा कि चेतना क्या है, कार्य करता है, प्रोसेस करता है। जैसे आपके सामने कोई शब्द आया, कोई चीज़ आपने देखा, आपकी चेतना में गई, लेकिन विलहेम वुड ने बताया था सिर्फ आपके अंदर गई, बात खत्म। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आपकी चेतना में गई तो प्रोसेस होगा, आप क्या होगा उसका प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद कोई ना कोई आपके साथ एक्टिविटीज होगा या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे। इसलिए प्रकारवाद के जनक कौन थे? वह विलियम जेम्स थे। तो बात किया जाए प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की पुस्तक थी, उसी के माध्यम से इन्होंने की थी। और प्रकारवाद के जनक अमेरिका के कौन थे? विलियम जेम्स थे। तो यह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कहा कि क्योंकि उन्होंने चेतना पर नहीं, क्योंकि उन्होंने चेतना पर बल नहीं दिया बल्कि चेतना के कार्यों पर ध्यान दिया, इसीलिए यह संप्रदाय क्या कहलाता है? प्रकारवाद कहलाता। तो मैंने आपको यही बताया ना भैया कि चेतना क्या है, चेतना कार्य करती है, इसलिए उन्होंने बताया था, वही चीजें लिखी गई हैं। कारण प्रकारवाद को कार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई कहे कि कार्यवाद कोई संप्रदाय है क्या, तो हम कहेंगे एकदम है, प्रकारवाद जैसे है उसी का नाम कार्यवाद भी बोल सकते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी प्रकारवाद के प्रमुख समर्थक थे। तो जॉन डीवी को आप जानते हैं, जॉन डीवी की बात करें प्रयोजनवाद के जनक बोले जाते हैं, तो इसको बात पहले से आप सीखे हुए हैं। आगे ध्यान देते हैं दोस्त, बात किया जाए एंजल कैटल थॉर्नडाइक तथा वुडवर्थ आदि क्या थे, आदि विचारकों ने प्रकारवाद का क्या किया था, वैज्ञानिक विचारधारा से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? जो बात करें प्रकारवाद के, या एंजल महोदय हैं, कैटल हैं, थॉर्नडाइक हैं, वुडवर्थ हैं, ये सभी प्रकारवाद के से जुड़े थे। प्रश्नावली अनुसूची तथा मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरण प्रकारवाद की ही दिन है। अगर आपसे पूछा जाए जो प्रश्नावली विधि आई थी, या आपसे कहा जाए जो भैया अनुसूची शब्द है या मानसिक परीक्षण है, ये सभी किसकी देन है? या प्रकारवाद की ही देन है। आगे बात करें विलियम जेम्स ने मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ध्यान देंगे भैया, मूल प्रवृत्ति के जनक आपसे पूछेगा तो आप क्या बताते हैं? मूल प्रवृत्ति के जनक आपसे कोई व्यक्ति पूछता है तो आप कहते हैं जनक है विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति के जनक की बात करें तो आप कहते हैं कि मैकडूगल है। कौन? मैकडूगल को आप बताते हैं, मैकडूगल को बताते हैं। लेकिन वहीं पर बात करें मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया, अंतर है। जनक बोला जाए तो विलियम मैकडूगल, अगर पूछा जाए शब्द किसने दिया तो आप कहेंगे विलियम जेम्स ने दिया था। कहा कि 1890 में कैम्ब्रिज में उन्होंने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली थी। तो दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने खोला था, तो आप कहते हैं भैया वह खोलने वाला व्यक्ति था, वह खोलने वाला व्यक्ति कौन था, वह खोलने वाला व्यक्ति विलियम जेम्स थे। कौन थे? विलियम जेम्स महोदय थे, इस बात को आप लोग जानते हैं। आगे दोस्त बात करें, आगे बात की जाए, आगे दोस्त अगर बात किया जाए विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? मनोविज्ञान के जनक अगर आपसे पूछे तो कौन बोले जाते हैं, तो आप दोस्त कहते हैं वह बोले जाने वाला व्यक्ति है विलियम जेम्स, मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, आप जो फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो विलियम जेम्स बोले जाते हैं दोस्त, विलियम जेम्स। इसके अलावा चेतना का धारा प्रवाह शब्द भी दिया है, जैसे मूल प्रवृत्ति शब्द दिया है वैसे चेतना का धारा प्रवाह शब्द भी दिया है, और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी दी है। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया है, तो आप दोस्त कहेंगे वह विलियम जेम्स दिए हैं। किसने दिया है? विलियम जेम्स दिए हैं। किसने? विलियम जेम्स।
आगे दोस्त बात करेंगे, आगे पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं, आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान देंगे। बोला जा रहा है नेक्स्ट, देखते हैं साइड पर, बात किया जाए प्रकारवाद। प्रकारवाद बाद में दो संप्रदायों में, दो वाद में बढ़ गया। कितने वादों में बढ़ गया? दो वाद में, या बाद में प्रकारवाद बढ़ गया था। कितने में भैया? दो वाद में, या जो बटा था, और वह वाद कौन कौन से था इसे हम देखेंगे। यह वाद बात करें तो एक शिकागो प्रकारवाद के रूप में बटा, एक बात किया जाए कोलंबिया प्रकारवाद। किसमें? एक शिकागो में, एक बात किया जाए और कोलंबिया में। तो जो कोलंबिया के थे, जो समर्थक के रूप में आए थे, वह कौन कौन आए थे? वुडवर्थ आए थे, वुडवर्थ आए थे, और कौन आया था? थॉर्नडाइक आए थे, थॉर्नडाइक आए थे, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक आए थे। किसके रूप में? वह कोलंबिया प्रकारवाद के रूप में, मतलब इसके समर्थक थे। तो बाद में प्रकारवाद दो रूपों में टूटा, एक शिकागो, एक कोलंबिया, कोलंबिया। और शिकागो में बात करें, जॉन डीबी इसके समर्थन, विलियम जेम्स थे, जेम्स आर एलजिल थे, और ए कार थे, बोरिंग थे, ये सभी शिकागो प्रकारवाद के समर्थक में आए थे। कोलंबिया प्रकारवाद में वुडवर्थ आए थे, थॉर्नडाइक, ये सभी समर्थक में आए हुए थे। दोस्त आगे हम चर्चा करेंगे, आगे इन्फॉर्मेशन है वह है आरओ से संबंधित। आप सभी कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं, दो नंबर आप सभी के सामने दिया गया है। दोस्त कोई भी अगर दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्त आगे बात करेंगे व्यवहारवाद पर। क्या करेंगे? व्यवहार पर। दो वादों को मैंने चर्चा किया, एक संरचनावाद, एक प्रकारवाद। संरचनावाद में मैंने बताया चेतना सब कुछ है, और 19वीं शताब्दी में सबसे पहले चेतना का विज्ञान बताया था, जो विलहम बुंटे बताए थे, ये सारी चीज़ें हम तो सीख लिए। प्रकारवाद की बात मैंने आपको बताया, अमेरिका के निवासी विलियम जो जेम्स थे, जो विलियम बुंट तो उसमें थे। संरचनावाद में विलियम जेम्स की बात करें तो विलियम जेम्स जो बोले जाते हैं वह प्रकारवाद के जनक बोले जाते हैं, तो इसमें आपने देखा। अब व्यवहारवाद की बात करते हैं, व्यवहारवाद की जनक की बात करें तो आपको पता है दोस्त, 20वीं शताब्दी जैसे आती है, 20वीं शताब्दी आती है तो एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था वाटसन। वाटसन कहते हैं कि भाई साहब, जो चेतना आपने बताया है, जो 19वीं शताब्दी में बताया किसने? विलहम बुंट ने, कि चेतना का विज्ञान है, उसको पूरी तरीके से नकार दिया। कहा कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बता रहे हो, इसको एकदम अच्छे से नकारा और कहा कि जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का विज्ञान है। अब क्यों कहा? इसलिए कहा, जब चेतना आपने बताया तो चेतना कहाँ दिखाई देती है? चेतना दिखाई नहीं देती। जब चेतना दिखाई नहीं देती तो हम अध्ययन कैसे करेंगे? सही बात है। उन्होंने कहा भाई, जब जो दिखेगा उसी का तो अध्ययन कर सकते हैं, जो दिखेगा ही नहीं उसका अध्ययन कैसे हम कर पाएंगे? इसीलिए मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में माना गया, और अभी तक क्या पढ़ रहे हैं हम? व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें बात करते हैं क्या क्या बातें हुई थी, इसे समझते हैं। करा व्यवहारवाद की स्थापना 20वीं शताब्दी में 1913 में वाटसन ने हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की। कौन से विश्वविद्यालय से? हॉपकिंस विश्वविद्यालय से शुरुआत की। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है। मतलब मनोविज्ञान क्या भाई? एक वस्तुनिष्ठ के साथ साथ एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। अतः बात किया जाए, इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार में ही क्या हो सकती है? व्यवहार में ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं कहा है भाई, जो मनोविज्ञान है वह मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ है, और साथ साथ प्रयोगात्मक बात करें वह विज्ञान है, इसीलिए सिर्फ व्यवहार के ही द्वारा इसे पढ़ा जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, अदरवाइज इसका अध्ययन नहीं हो सकता। क्योंकि चेतना उतना शब्द हटा दिया और व्यवहार के रूप में इन्होंने लाया। उन्होंने कहा कि चेतना अस्पष्ट है भाई, जो चेतना आपने बताया विलहम बुंट जी, जो विलहम बुंट ने बताया था उसको अच्छे से नकारा, का अस्पष्ट है। क्योंकि अस्पष्ट इसलिए है क्योंकि बात करें तो कह रहे व्यवहारवाद की अवधारणा और विचारधारा मानने के कारण इस संप्रदाय के जो मनोवैज्ञानिक को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। आगे बात किया जाए, व्यवहारवादी कहा जाता है। वाटसन ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। जैसे वाटसन ने कहा, जब हमारे ध्यान देंगे, उन्होंने कहा कि जब हमारे व्यवहार में दिखता है तो व्यवहार में कैसे दिखता है? क्योंकि व्यवहार का विज्ञान इन्होंने बताया, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने कहा कि हमारे वातावरण में क्या है? उद्दीपक मौजूद है, स्टिमुलस मौजूद है, उसी स्टिमुलस को देखते हुए हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जब उद्दीपक दिखेगा
तभी हम रिस्पॉन्स करेंगे। अगर कोई कहे उद्दीपक अनुक्रिया शब्द का किसने जन्म दिया, तो वाटसन महोदय दिए थे, संबंध मंत्र के बारे में नहीं बताया था, लेकिन जन्म दिए कि उसी के प्रति हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते उद्दीपक के प्रति। तो कहा उद्दीपक हमेशा क्या है, उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है, और इसीलिए जो वाटसन की बात करें, वाटसन को आप जानते हैं इनके द्वारा वंशानुक्रम को एकदम नकारा गया था, वातावरण को सबसे ज्यादा मानते थे, वे कहते थे जैसा आप कहोगे वैसा बच्चों को बना देंगे, अर्बर्ट नामक एक बच्चे पर प्रयोग भी किया था इन्होंने। तो बात किया जाए उद्दीपक हमेशा क्या है, वातावरण में मौजूद होता है, और इसीलिए उन्होंने व्यवहार के विज्ञान के रूप में कहा। जन्म के समय सभी बालक क्या होते हैं, समान होते हैं, वह कहते हैं कि सभी बच्चे समान है जन्म के समय, बस उसके वातावरण जैसा मिलेगा वैसा बच्चा ढल जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि हर बच्चा, भाई एक बच्चा मुझे दे दो, नवजात शिशु दे दो, जैसा कहोगे वैसा बना दूंगा, चोर कहो दूंगे चोर, डाकू कहो डाकू, डॉक्टर इंजीनियर जैसा आप कहते हो वैसा मैं बना दूंगा। ध्यान देंगे आगे, वाटसन ने अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन करके बताया कि शिशु में क्रोध, भय और स्नेह तीन संवेग पाए जाते हैं। ध्यान देंगे दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए संवेग पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, संवेग पर अध्ययन किए थे वाटसन। वाटसन ने तीन संवेग बताए, शुरुआत में एक अल्बर्ट नामक बच्चे पर प्रयोग किया, और तीन प्रकार के संवेग बताते हैं, क्रोध, भय और स्नेह। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, बाद में मैकडूगल आते हैं सारी चीजें बताते हैं, लेकिन वाटसन पहले बता देते हैं। आगे बात करें, वाटसन ने SOR सिद्धांत के क्या बोले जाते हैं, प्रस्तावक बोले जाते हैं। यस का मतलब होता है स्टिमुलस, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट जिसे वस्तु बोलते हैं, आर का मतलब है रिस्पॉन्स। तो मतलब हम इसका प्रस्ताव किसने लाया था, वह प्रस्ताव लाने वाले थे वाटसन, लेकिन जनक की बात किया जाए तो वुडवर्थ बोले जाते हैं। प्रस्तावक कौन, वाटसन, जनक वुडवर्थ, इस बात को भी ध्यान देंगे। बारंबारता और प्रतिवेदन का नियम भी किसने दिया था, वह वाटसन महोदय दिए थे। कुछ पॉइंट है जिसे आप सीख रहे हैं जो वाटसन से संबंधित, व्यवहारवाद से संबंधित है। वाटसन ने एक पुस्तक लिखी थी, जो इन्होंने व्यवहार के विज्ञान की बात की उस पर एक इन्होंने पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो इनके विधि को बोला जाए तो बहिर्दर्शन बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब व्यवहार बाहर है, उद्दीपक बाहर है, वातावरण में है, तो फिर हम किस विधि का जन बात करें, जनक बोले जाएंगे बाह्य दर्शन विधि की। वही अंतर दर्शन के कौन बोले जाते थे, वह विलहम बुंड बोले जाते थे, लेकिन वहीं पर बात किया जाए बाह्य दर्शन के जनक जो वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, विशुद्ध विज्ञान है, या उन्होंने बताया है आज मनोविज्ञान वाटसन की वजह से क्या है, व्यवहार का विज्ञान का रूप लिया है। किसका, व्यवहार के विज्ञान के रूप में लिया हुआ है, रूप इसे जानते हैं व्यवहार के विज्ञान के रूप में। आगे दोस्त बात करते हैं समग्रवाद पर चर्चा करेंगे, समग्रवाद क्या है, गेस्टाल्टिज्म क्या है, बात करेंगे जिसे हम जानते हैं समग्रवाद, या इसे बोलते हैं गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जानते हैं। अब गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है समग्रता। आगे हम एक एक पॉइंट को सीखेंगे, ध्यान दें भैया, गेस्टाल्ट जो एक जर्मन भाषा का शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर कोई कहे कि किस भाषा का शब्द है जर्मन भाषा गेस्टाल्ट, तो कहेंगे जर्मन भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं समग्र या समग्रता के नाम से बोलते हैं। इस संप्रदाय को गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है, या समग्रवाद बोलेंगे या गेस्टाल्टवाद बोलेंगे, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मैक्स बर्थिमर, मैक्स बर्थिमन ने की थी, और कब किया था, 1912 ईस्वी में किया था। कब दोस्त, 1912 ईस्वी में मैक्स बर्थिमन ने किया था। कोहलर तथा कोफका इसकी बात करें, कोहलर तथा कोफका इससे इसके सह संस्थापक रूप में जाने जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो कोहलर और कोफका थे इसके संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, किसके, गेस्टाल्टवाद के, क्योंकि समर्थक के रूप में कौन आते हैं, कोहलर आते हैं और उसके साथ साथ कोफका आते हैं। लेकिन जनक आपसे अगर कोई पूछेगा गेस्टाल्टवाद का जनक, तो आप सीधा कहेंगे भैया वह आपके हैं मैक्स बर्थिमर, इस बात को भी ध्यान देंगे। करें किसी वस्तु, इनका मतलब था कि समग्रता पर जोर देते थे। अब इनका मतलब था कि जब हमारी कोई समस्या में फंसते हैं, कोई हमारे सामने समस्या आती है, तो हम समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उस समस्या के बारे में होल नॉलेज लेते हैं, संपूर्ण जानकारी लेते हैं, और जानकारी लेने के बाद उस पर हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। तो करें किसी वस्तु परिस्थिति को उस उनमें सम्मिलित तत्वों के समूह के रूप में ना
रूप में ना देखकर उसको एक समग्र रूप में या परिपूर्णता के रूप में देखना ही क्या है, मुख्यता गेस्टाल्टवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्यता गेस्टाल्टवाद के नाम से बोला जाता है। किसकी बात करें, वह बोला जाए दोस्त, तो इसे मुख्यता की बात करें, गेस्टाल्टवाद के रूप में माना जाता है, और समग्र रूप से इसे हम एक पक्ष के रूप में नहीं लेता है, उसका एक पक्ष के रूप में ना लेकर के पूरे समग्रता के रूप में लेता है। इसलिए जैसे बात करें, जब आप कोई प्रॉब्लम आपके सामने, मान लीजिए आपको क्लास से भागना है, चलिए हमें क्लास के जब छोटे रहते थे तो क्लास से भागते थे, तो क्लास से भागना रहता था तो हम पहले जैसे हमारे सामने समस्या आएगी भागना है, अब समस्या आ गई भागना, तो हम क्लास मान लीजिए सीट पहले क्लास जो क्लास है उससे पहले दूसरी सीट पर बैठे हैं, अब हमको भागना है क्योंकि टीचर भी है, अब टीचर है तो देख लेकर दिक्कत हो जाएगी, तो हम टीचर जैसे पीछे पीछे कभी कभी टीचर पीछे करके इधर लिखते रहते थे, तो एक एक सीट हम क्या होते थे पीछे होते जाते थे, और जब पूरी लास्ट वाली सीट होते थे तो जो गेट होता था उसी से गेट से निकल लेते थे। तो इस तरीके से क्या होता था, पहले हमारे सामने समस्या आई तो समस्या के पूरा क्या पूरी जानकारी लेते थे, और जानकारी लेने के बाद फिर उस समस्या का समाधान किया जाता है, ऐसा मानते हैं समग्रवाद। आगे दोस्त बात करते हैं, एक इंफॉर्मेशन है वह आर ओ आर ओ बात करें, भर्ती से संबंधित आप सभी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी की पुस्तक ले सकते हैं। समान अध्ययन की बात करें, आर ओ आर ओ की पुस्तक आपके सामने है, आप सभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और मैंने इसी पुस्तक को देखा, बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छी बुक बनी है, इसे आप देख सकते हैं दोस्त। आगे हम बात करें, आगे इसमें कहा गया अर्थात कहा गया किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या क्या हो, मालूम हो, इसीलिए गेस्टाल्टवाद समग्रवाद या संपूर्णवाद या अव्ययवाद के नाम से इसे जाना जाता है। तो कौन कौन से वाद है, कई नाम देख रहे हैं आप, गेस्टाल्टवाद सामने आ रहा है, समग्रवाद का नाम आ रहा है, संपूर्णवाद, तो इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। करे कि भाई गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में मैक्स वर्दीमर कोहलर कोपका तथा कर्ट लेविन मुख्य रूप से माने जाते हैं। बाद में कर्ट लेविन बाद में इसे गेस्टाल्टवाद से निकल करके क्षेत्रवाद में जुड़ जाते हैं, किससे, क्षेत्रवाद से जुड़ जाते हैं, इसलिए बाद में यह निकलते हैं, लेकिन शुरुआत में कर्ट लेविन भी इसी गेस्टाल्टवाद से जुड़े थे। करें गेस्टाल्टवादी सीखने के उद्देश्यों तथा अपेड़ा पर अधिक जोर देते हैं, किस पर देते हैं भाई, जो सीखने का उद्देश्य है, और साथ ही साथ मोटिवेशन पर इनका ज्यादा योगदान होता है गेस्टाल्टवादियों का जब आप सीखते हैं। दोस्त बात किया जाए तो आगे बात करें, थोड़ा सा कोहलर का प्रयोग देख लेते हैं। कोहलर ने जो प्रयोग किया था वह बनमानुष पर प्रयोग किया था जो सुल्तान नाम से कहलाता है। इनका प्रयोग के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, कहना कोहलर इस सिद्धांत के, तो हमने तो समझा गेस्टाल्टवाद की जनक की बात करें तो मैक्स वर्दीमर है, उसके बारे में मैंने सीख लिया, अब कोहलर का जो सिद्धांत है थोड़ा सा सीख लेते हैं, क्योंकि कोहलर का सिद्धांत अंतर्दर्शन या इसे बोलते हैं अंतर्दर्शन नहीं दोस्त, इसे बोलते हैं जिसे बोला जाए अंतर्दृष्टि बोला जाता है या सूझ का सिद्धांत बोला जाता है, तो इस बात को ध्यान देंगे, सूझ का सिद्धांत या इसे बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या कोहलर का इस सिद्धांत का जो प्रमुख विचार थे किसके, या समग्रवाद के जुड़े हुए थे, समग्रवाद के प्रमुख विचारक के रूप में आते हैं, और इनका जो सिद्धांत कोहलर का कहलाता है वह सूझ का सिद्धांत कहलाता है या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। कोहलर का जो प्रयोग था, उन्होंने प्रयोग किस पर कहां पर किया था, टेनरीफ द्वीप पर किया था, और किनारी शहर में किया था, किनारी शहर के टेनरीफ द्वीप पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। कुल बनमानुषों की संख्या कितनी थी, 6 थी, लेकिन सभी प्रसिद्ध प्रयोग सुल्तान पर किया इन्होंने, मतलब जो प्रयोग किया इन्होंने सभी प्रसिद्ध प्रयोग, इनके प्रयोग में तो 6 बनमानुष थे, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध प्रयोग इन्होंने किया वह सुल्तान पर किया था। अधिगम का सूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, दिया कोहलर ने अधिगम का स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत भी दिया था, किसका, अधिगम के स्थानांतरण के आरोपण का भी सिद्धांत दिया था, समझ रहे हैं ना दोस्त। तो इसलिए बात किया जाए कोहलर के कई सिद्धांत है, जैसे सूझ का सिद्धांत के नाम तो अंतर्दृष्टि भी है, लेकिन आरोप अधिगम के आरोपण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, क्योंकि आरोपित होता है, जैसे बात किया जाए, जैसे आपने देखा था कि जो सुल्तान था, सुल्तान को एक बार तो उन्होंने जो
कमरे में बंद किया था, कमरे में बंद करके किला जो ऊंचाई पर टांग दिया था और बक्से उक्से के माध्यम से उसमें कई बक्से रख दिए थे, और ऐसा प्रयोग करते करते वह कोलन ने प्राप्त कर, जो बनमानुष था, जो सुल्तान था, उसने किले को प्राप्त कर लिया था। लेकिन बाद में इन्होंने एक पिंजड़े में बंद किया, फिर छड़ी रखी, तो कम से कम इन्होंने चार प्रयोग करने के बाद अपना सिद्धांत निकाला था। उसी में इसीलिए उन्होंने कहा कि आरोपित तरीके से होता है, जो आप सीख जाते हैं उसको फिर नहीं सीखते हैं, आरोपित हो जाता है, मतलब जो आपने एक बार सीखा है अगली बार दूसरी नहीं सीखेंगे। तो पहले प्रयोग में उन्होंने एक बक्से रखे थे, फिर दूसरे प्रयोग में उन्होंने कमरे में दो तीन बक्से रख दिया था, फिर केले ऊंचाई पर रखा था। इस तरीके से मैंने आपको कोलर के सिद्धांत को बताया है, पढ़ाया है। एक बार अगर ना देखे हो तो आप जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर अच्छे से देख सकते हैं कोलर के सिद्धांत को। तो अभी जो समझ रहे हैं वह तो हम सभी संप्रदाय पर बात कर रहे हैं, जो संप्रदाय है मनोविज्ञान के, उसमें से बात करें तो हम गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद पर बात कर रहे हैं। तो कुछ जानकारी है जो आपको सीखना चाहिए, इसीलिए हम कोलर के कुछ पॉइंट को रख दिए जिससे आपको फिर से एक बार रिकॉल हो पाए। लेकिन अगर आपको व्याख्यात्मक रूप से पढ़नी है, जो आपके सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, उसे आप पढ़ सकते हैं। करेक्ट, कोलर का या सिद्धांत करना चाहते थे या सिद्धांत वह दिए थे अधिगम की स्थानांतरण की बात करें, वह कोलर या सिद्ध करना चाहते थे जो अधिगम है एक स्थानांतरण एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ना कि प्रयास एवं परिणाम। जैसे प्रयास और परिणाम की बात करें, त्रुटि और प्रयास की बात करें, तो यह कौन मानते थे? थोंडाई मानते थे। इस तरीके से नहीं कोलर मानते थे। कोलर कहते थे, भैया जो हम सीखना चाहते हैं वो अधिगम का क्या है, स्थानांतरण के माध्यम से और संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में मानते थे, ऐसा मानते थे कोलर। कोलर की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आप सभी के पेपर में पूछी जाती है, दो पुस्तक आपके सामने है, द मेंटालिटी ऑफ एब्स, द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। इन दो पुस्तकों को, दो बुक को आपको आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि बुक से संबंधित जो आपके बुक हैं, बुक से संबंधित आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कम से कम 2 से 3 प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। तो आपको जो मनोवैज्ञानिक के पुस्तक हैं उसे आपके दिमाग में होने चाहिए। तो इस बात को आपने सीखा, कोलर के थोड़ा सा हम जो हाईलाइट कर दिए जिससे आपको स्पष्ट रूप से सीख पाए, थोड़ा सा कीवर्ड के माध्यम से एक स्लाइड में आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया गया। लेकिन अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है तो वहां पर भाई लोग आप जाकर पढ़ सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। आगे दोस्त बात करते हैं, ध्यान देंगे करा कि अब हम बात करेंगे उद्देश्यवाद पर या हार्मिकवाद पर चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है उद्देश्यवाद, क्या होता हार्मिकवाद, इसे हम देख लेते हैं। उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद, उद्देश्यवाद एक हिंदी का शब्द है और हार्मिक क्या है, एक यूनानी भाषा का शब्द है। अब हम बात करते हैं उद्देश्यवाद के जनक की बात करें तो आप जानते हैं विलियम मैकडूगल को बोला जाता है। विलियम मैकडूगल की बात किया जाए, उद्देश्यवाद को भी क्या बोला जाए, हार्मिकवाद के नाम से जाना जाता है। हार्मिक शब्द की बात करें जिसे हम यूनानी भाषा का एक शब्द है और यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है कि स्वार्थ या प्रयोजन। यूनानी भाषा में हार्मिक का क्या शब्द होता है, स्वार्थ या प्रयोजन होता है। मतलब यह संप्रदाय कहता है बिना हम कोई उद्देश्य के, बिना कोई प्रयोजन के हम कार्य करते ही नहीं है। जब तक मुझे उद्देश्य ना पता हो, मेरा प्रयोजन ना पता हो या स्वार्थ ना पता हो, तब तक हम कार्य नहीं कर सकते। मतलब बिना स्वार्थ के, बिना प्रयोजन के काम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आगे बात करें, क्या जैसे बात करें, जैसे हमने सुबह में जगते हैं, सुबह में आप टहलने के लिए जगते हैं ना 4-5 बजे, तो जाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमारा शरीर फिट रहे। जिम जाते हैं तो हमारा शरीर फिट रहे, तो इसलिए हम जाते हैं क्योंकि मेरा एक स्वार्थ है, एक प्रयोजन है। इसलिए अगर आपसे बोला जाए कि भाई साहब आप जिम जाते हो कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप मॉर्निंग में जगते हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या आप जगोगे मॉर्निंग में? कभी नहीं जगोगे। इसलिए जब तक हमारा स्वार्थ और प्रयोजन ना पता हो तब तक हम कार्य करेंगे नहीं। और इस यही बात को विलियम मैकडूगल समझाने वाले थे और उन्होंने एक उद्देश्यवाद की बात की जिसे हार्मिकवाद के नाम से जाना जाता है। दोस्त आगे बात करते हैं, हमारे हर व्यवहार का कोई ना कोई क्या बोला बताया, स्वार्थ होता है या प्रयोजन होता है या उद्देश्य होता है, तभी हम कार्य करते हैं। हर व्यवहार का कारण क्या बोला, जो हम कोई व्यवहार करते हैं, हर व्यवहार का कारण क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है और मेन मूल प्रवृत्ति ही हमें क्या करती है, उस कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और इसीलिए उन्होंने बताया है कि मूल प्रवृत्ति की जनक बोले जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वार्थ या प्रयोजन या उद्देश्य होता है, लेकिन जो हमारा हर व्यवहार है, जो भी हम व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं किसी के साथ, उस व्यवहार का मतलब होता है कि उसके पीछे कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। बिना मूल प्रवृत्ति के जुड़े हम व्यवहार कर ही नहीं सकते हैं, करके और मूल प्रवृत्तियों जन्मजात
होती है, बहुत बार पूछी गई है मूल प्रत्यय कैसी होती हैं, तो आपसे एग्जामिनर पूछता है निम्न में से मूल प्रत्यय कैसी होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, इस तरीके से ऑप्शन रखता है, तो आप कहेंगे भैया जन्मजात होती है, तो कहा उन्होंने कहा कि प्रत्येक मूल प्रत्ययों से एक संवेग जुड़ा होता है, और उन्होंने मूल प्रत्ययों की संख्या कितनी बताई थी, 14 बताई थी, और 14 प्रकार की जब मूल प्रत्ययां हैं तो 14 प्रकार के भी संवेग होंगे, क्योंकि हर संवेग हर मूल प्रत्यय से जुड़ा हुआ हर संवेग भी होगा। अब हम समझेंगे कि जो 14 प्रकार की मूल प्रत्ययां हैं वह देखते हैं, जो 14 प्रकार के संवेग है कौन कौन से है। जैसे आपसे पूछा जाए भोजन अन्वेषण क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है, उसका बात करें उसका संवेग क्या होगा, भूख होगा। आगे बात करें युत्सा क्या है, आपका मूल प्रवृत्ति है, अगर आपसे कहे उसका संवेग क्रोध होगा। जिज्ञासा क्या है, आप कहेंगे मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग क्या होगा, आश्चर्य होगा। रचनात्मकता क्या है, आपका मूल प्रवृत्ति है। कृतिमान क्या है, आपका संवेग है। संग्रह प्रवृत्ति क्या है, आपकी मूल प्रवृत्ति है। स्वामित्व क्या है, आपका संवेग है उसका। प्लानवाद क्या है दोस्त, आपके प्लानवाद आपके मूल प्रवृत्ति है। डर क्या है, आपका संवेग है। निवृत्ति क्या है, आपकी मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग क्या है, घृणा है। अब आपको समझना है कैसे हमें सीखना है, जैसे आपको क्रोध आए, जब आपको क्रोध आए तो क्रोध में जैसे आपका किसी को घृणा होने लगे, किसी से घृणा होने लगे, तो आप सोचिए कोई ना कोई मेरे भीतर कोई ना कोई मूल वृत्ति जगी, वह मूल वृत्ति कौन सी जगी होगी, निवृत्ति नाम से जगी होगी। आपको जिज्ञास आपको आश्चर्य किसी बात का हुआ तो आपको इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपकी मूल वृत्ति कौन जगी होगी, जिज्ञासा जगी होगी। आपको क्रोध लगी किसी के ऊपर, तो क्रोध जब लगी तो कोई ना कोई संवेग उत्पन्न हुआ तभी तो क्रोध आया। अब उसके भीतर उसका कोई ना कोई मूल वृत्ति जगा होगा, तो मूल वृत्ति कौन सा जगा होगा, युत्सा जगा होगा। तो आपको समझ सकते हैं जब आपके कोई संवेग आपके ऊपर हावी हो तुरंत आप समझिए कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति काम किया होगा, बिना मूल प्रवृत्ति के काम किए वह संवेग आ नहीं सकता है दोस्त, इसलिए बात करें। तो यह सात आपने देखा, आगे हम बात करते हैं आठवां क्या है। आठवां जो आपके सामने सामूहिकता है या मूल प्रवृत्ति है इसका बात करें, इसका जो संवेग है एकाकीपन है। अगर हास की बात करें, हास का बात करें तो आपके सामने मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग क्या, आमोद है दोस्त। काम वासना क्या है, मूल प्रवृत्ति है। कामुकता क्या है, आपका संवेग है। आत्मगौरव क्या है, आत्मगौरव आपका मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग क्या है, आत्माभिमान है। पुत्र कामना क्या है, आपका मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग क्या है, वात्सल्य है। आगे बात करें दैन्य क्या है, दैन्य की बात करें तो आप कहेंगे भैया दैन्य आपका मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग क्या है, करुणा है। क्या है, करुणा है। शरणागत क्या है, मूल प्रवृत्ति है, उसका मूल जो संवेग क्या होगा, हीन भावना होगा। तो आप समझ रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, हर मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग होगा तभी हम कार्य करेंगे, अदरवाइज हम काम ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या बोला, इसलिए मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ हर मूल प्रवृत्ति से जुड़ा एक संवेग किसने बताया था, वह भाई आपके जो विलियम मैकडूगल जी ने बताया था, और 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति तो उसके 14 प्रकार के संवेग भी होंगे। आगे बात करें विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के कितने पक्ष बताए, तीन पक्ष बताए। एक उन्होंने बताया संज्ञानात्मक पक्ष, किसका, संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष बताया, और एक बताया भावात्मक पक्ष, एक उन्होंने बताया क्रियात्मक पक्ष, तीन बताए थे। और बुक की बात करें, उनकी जो दो बुक आपके सामने है, जो मैंने आपको बताया बुक से संबंधित चीजें पूछी जाती है, एग्जामिनर पूछता है, वो उनकी दो पुस्तक आपके सामने, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। तो इसमें बात करें एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने क्या किया है, उस उन्होंने बात करें तो एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने चेतना जो शब्द बताया था, किसने चेतना जो शब्द दिया था, जो विलहेम बुंट ने, किसने दिया था, विलहेम बुंट ने जो दिया था उसकी घोर आलोचना की है, किसमें, इसी बुक में विलियम मैकडूगल ने आलोचना की है, किसकी आलोचना चेतना शब्द की घोर आलोचना की है। कहा कि भाई साहब ये आलोचना जो चेतना है कुछ है वो नहीं, आप व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान, इसमें डाटा डपटा है, इस पुस्तक में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे एन आउटलाइन ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में उन्होंने मूल प्रवृत्ति के बारे में पूरा अच्छे से बताया है, किसके बारे में, मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है। मूल प्रवृत्ति के बारे में अगर आपको बहुत डीप पढ़नी है तो ये आप पुस्तक ऑनलाइन मंगा सकते हैं और मंगा कर पढ़िए अच्छे से। तो दोस्त या तो आपके सामने जो दोस्त बात किया जाए, आपके सामने क्या था,
आपके सामने कुछ संप्रदाय थे और भी संप्रदाय हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जिस इस संप्रदाय में बात किया जाए, हम सभी ने देखा संरचनावाद पर बात की। संरचनावाद के बारे में आप समझ गए होंगे कि कौन इसके जनक हैं, तो विलहेम वुंड बोले जाते हैं। प्रकारवाद के बारे में हमने देखा, प्रकारवाद में मैंने आपने देखा कि इसके जनक विलियम जेम्स हैं। आपने व्यवहारवाद के बारे में देखा, व्यवहारवादी क्या कहते हैं, व्यवहारवाद के जो व्यवहारवाद से जुड़े हैं उनका मानना था कि उद्दीपक की बात करते हैं, अनुक्रिया की बात करते हैं, उसके जनक वाटसन बोले जाते हैं। हम सभी ने बात किया दोस्त गेस्टार्डवाद की बात की, उसके जनक मैक्स वर्दीमन बोले जाते हैं। समर्थन में कोलर की कुछ बातें हमने सभी ने चर्चा किया, उसके साथ साथ हम सभी ने उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद पर चर्चा की जिसमें विलियम मैकडूगल ने बताया। विलियम मैकडूगल ने किसी स्वार्थ या प्रयोजन की बात की तो हमने देखा कि किसमें क्या चीजें हो रही है, बिना कुछ कारण से कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो मनोविज्ञान चर्चा आपने देखा कि मनोविज्ञान कहीं ना कहीं व्यवहार में चीजें उतरने वाली चीजें हैं कि नहीं है, इसलिए मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में बोला जाता है और चीजें आपको समझना है दोस्त। अगली क्लास में हम सभी किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे। दोस्त एक बार जैसा भी लगा हुआ आपको सेशन तो आप सभी पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।